अपन लोगों को छह लोगों से ज्यादा नहीं बैठना है। ये लोग किराया ज्यादा मांगे तो किराया नहीं है, इनका मुंह जरूर सो रहा। और मदरा पीकर ड्रग्स लेकर किसी भी प्रकार से अपन को गाड़ी नहीं चलाना, नहीं अच्छा है, लेकिन औरों को भी जागरूक करना। आपका नाम रईस खान है, इसलिए आपको और ज्यादा जिम्मेदारी नहीं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, इस बार लेकिन मामला थोड़ा हटकर है। बाबा ने ट्रैफिक जागरूकता महाअभियान चलाया है, इस दौरान उनकी मुलाकात ई रिक्शा चालक रईस खान से हुई। उसके बाद और क्या क्या हुआ इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताते हैं। आपको बता दें कि ट्रैफिक जागरूकता अभियान के दौरान धीरेंद्र शास्त्री ने रईस खान को रोका और पूछा तुम्हारा लाइसेंस है, तो रिक्शा चालक बोला नहीं। इस पर धीरेंद्र शास्त्री ने कहा बनवा लो, नहीं तो पहले विनती करेंगे फिर गिनती करेंगे, बाकी आप समझदार हैं। लाइसेंस है इसका, लाइसेंस करवाया इसका, आपका लाइसेंस नहीं है फिर क्यों चला रहे हो? गलत बात है, कानूनी कार्रवाई होगी। अब आप कल से पहले रिक्शा बंद करो, पहले आप लाइसेंस लो, इसके बाद आप रिक्शा चलाओ। आपको बता दें कि सड़क हादसों के परेशान बाबा बागेश्वर ने ट्रैफिक जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। कार्यक्रम के दौरान धीरेंद्र शास्त्री के साथ SP अगम जैन भी थे। इस दौरान पुलिस ने गड़ा गांव में आने वाले वाहन चालकों को हिदायत दी कि वे श्रद्धालुओं के साथ टैक्सी में ओवरलोडिंग ना करें और किसी तरह का नशा करके वाहन ना चलाएं। अपन लोगों को छह लोगों से ज्यादा नहीं बैठना है, ये लोग किराया ज्यादा मांगे तो किराया नहीं, इनका मुंह जरूर सो रहा है। अगर ये नशा पीकर नशा लेकर के दारू पी के गाड़ी चलाए, अपन को विरोध करना है और वीडियो बना करके चंद्रपुर जिला बनाइए। छह से ज्यादा सवारी नहीं और मदरा पीकर ड्रग्स लेकर किसी भी प्रकार से अपन को गाड़ी नहीं चलाना, नहीं अच्छा है, लेकिन औरों को भी जागरूक करना। ज्यादा लोग नहीं चलाना है ना, घटना नहीं होना चाहिए, धाम पे घटना नहीं। SP साहब भी आए हुए हैं। आपको बताते चले कि कार्यक्रम के दौरान चालक रईस खान से बोले तुम्हारा नाम रईस खान है इसलिए तुम्हारी जिम्मेदारी और ज्यादा बनती है, अभी तुम्हारा चालान कटेगा और रिक्शा चलाना अभी बंद करो, पहले लाइसेंस बनवाओ और उसके बाद रिक्शा चलाना, शराब पीकर गाड़ी बिल्कुल नहीं चलाना है क्योंकि आपके हाथों में सारी सवारियों की जिम्मेदारी है। आपका नाम रईस खान है, इसलिए आपको और ज्यादा जिम्मेदारी निभानी, सबको बराबर कानून मानने का अधिकार है। तो आप धाम के श्रद्धालुओं से रक्षा ले रहे, मदरा पान नहीं करोगे, नियमों का पालन करोगे और पहले लाइसेंस लोगे फिर चलाओगे। अब बाबा बागेश्वर के इस अभियान पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।